Hello everyone, this is CA Sanjeevani Course, your friend, mentor and coach for audit and law, and in this video we are going to discuss how to use the Sanjeevani course for law effectively to secure exemption marks in law. कि आप किस तरीके से संजीवनी कोर्स को effectively यूज कर सकते हैं लॉ का और आप किस तरीके से संजीवनी कोर्स को यूज करके एग्जामिशन ला सकते हो. तो ये जो संजीवनी कोर्स है लॉ का, ये हर किसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, जिसने मेरी क्लासेस ले रखी है, पहले ले रखी है, जिसने किसी और फैकल्टी से क्लासेस ले रखी है, जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी कर रखा है, हर किसी कैटेगरी के बच्चे के लिए ये क्लासेस यूजफुल है, जिसने भी लॉ पहले कभी ना कभी पढ़ रखा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ रखा हो या चाहे किसी और फैकल्टी के थ्रू पढ़ रखा हो. और अगर आपने मेरे से ही क्लासेस कर रखी है तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ लास्ट मिनट किक. तो किस तरीके से ये कोर्स हेल्प करेगा हमें एग्जम्पशन सिक्योर करने के लिए, राइट? तो देखना, संजीवनी कोर्स की खास बात क्या है. सबसे पहले पूरा का पूरा जो लॉ है वो नियरली 23 आवर्स में कवर्ड है और इसमें 80% कवरेज है. 80% कवरेज है. एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 80 मार्क्स तक का पेपर इस संजीवनी कोर्स में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से देखने को मिल सकता है और ये सिर्फ 23 आवर्स के अंदर कवर्ड है. यानी कि अगर 23 आवर्स के अंदर सब कुछ कवर्ड है, आप इस वीडियो को दो बार भी देख सकते हो बहुत इजीली. आपको 3 व्यूज दिए जाएंगे, तो अगर आपको 3 व्यूज दिए जाएंगे आप दो बार भी देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो. प्लस सबसे मजे की बात क्या है कि इस कोर्स के अंदर व्हाट वी हैव डन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फोकस्ड ऑन दोज चैप्टर्स विच द स्टूडेंट्स डू नॉट डू. नॉर्मली क्या होता है कि यार पहले फोकस हमेशा वहां होता है जो बच्चों ने कर लिया है, जैसे कि डायरेक्टर्स है. मेरा भी फोकस हमेशा उसमें ही रहता है रेगुलर कोर्सेज के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्सेज के अंदर. भाई पहले डायरेक्टर्स करो फिर आगे भरो, पहले कंपनी लॉ करो फिर आगे भरो. बट होता क्या है कि एग्जाम से पहले ये देखने को मिलता है कि बच्चे को डायरेक्टर्स फिर भी आता है बट उसको रिविजन करने में यस दिक्कत आती है, उसको कंपनी लॉ फिर भी आता है बट उसका अलाइड लॉ का पार्ट बहुत वीक रह जाता है, उसका इकोनॉमिक लॉ का पार्ट बहुत वीक रह जाता है, जो एडजुडिकेशन का पार्ट है, जो पेनल्टी का पार्ट है, जो अमेंडमेंट का पार्ट है, उसका बहुत वीक रह जाता है एंड यहां वो एग्जम्पशन मिस कर जाता है. सो दैट इज वाई वॉट वी हैव डन इज, इनफैक्ट ये जो लॉ का संजीवनी कोर्स अपना दो पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव लिंक के जा रहे हैं. पहले आपको लिंक अलाइड लॉस का जा रहा है, पहले आपको लिंक इकोनॉमिक लॉस का जा रहा है, पहले आपको लिंक जो ड्राई टॉपिक्स हैं, पेनल्टीज, एडजुडिकेशंस, इन टॉपिक्स का जा रहा है, और उसके बाद एक हफ्ते बाद आपको लिंक कंपनी लॉ का मिलेगा, ठीक है. तो आर फोकस इज कि पहले वो टॉपिक्स जिसमें आप मार्क्स कभी सिक्योर नहीं कर पा रहे थे, पहले हम उसमें मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं. तो व्हाट वी हैव डन इज, जो अलाइड लॉ का पार्ट है, जो इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है, जो नॉर्मली आप छोड़ के चले जाते हो, हमने उसको बहुत ही कंसाइज कर दिया है, बहुत ही कंसाइज कर दिया है. और कोशिश करी है कंसाइज करने के बाद कि अगर मान लो 40 मार्क का अलाइड लॉ इकोनॉमिक लॉ कवर हो रहा है, 40 मार्क का अलाइड लॉ इकोनॉमिक लॉ का वेटेज है, इस संजीवनी कोर्स को करने के बाद मैं ज्यादा तो अश्योर नहीं करूंगा बट 28 नंबर, 25 से 28 नंबर आपको एग्जाम में आता होगा. और 25 से 28 नंबर आपको आता होगा और आप उसमें कम से कम मान लीजिए कि 20 नंबर सिक्योर भी कर पाएंगे बहुत आराम से. तो अगर 20 से 22 नंबर आपने सिक्योर कर लिया इस एरिया में विद द हेल्प ऑफ संजीवनी कोर्स, तो 40 मार्क कंपनी लॉ में सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इसमें और मजे की बात क्या है, व्हाट वी हैव डन इज दैट, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है, जैसे कि सेबी एक्ट, सेबी आईसीडीआर तो हट चुका है अब सिलेबस से, बट अब जो सेबी एक्ट है उसमें ना संजीवनी कोर्स के अंदर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड वाला लेक्चर डाला है. ऑल्दो इट्स अ संजीवनी कोर्स बट मैंने थोड़ा डिटेल्ड वाला लेक्चर डाला आपके लिए, बट डरने की जरूरत नहीं है, टोटल ड्यूरेशन 23 आवर्स ही रहेगा, बट सेबी एक्ट थोड़ा डिटेल्ड वाला डाला है ताकि आपको सेबी का डर खत्म हो जाए इस कोर्स को देखने के बाद. उसके बाद आईबीसी कोड एक नॉर्मली ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को डर रहता है, तो पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया सारा 55 मिनट लगा के, 55 मिनट लगा के. कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैंने रेगुलर क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो वाला वीडियो भी डाला है, मतलब एक घंटे का हमने क्वेश्चन पार्ट भी डाला है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का और 50 मिनट का कॉन्सेप्ट डाला है. बट अगेन ये सब कुछ विद इन द 23 आवर्स के रेंज में होने वाला है, मतलब आईबीसी कोड सेबी एंड सेबी दोनों में कॉन्फिडेंस पूरा आने वाला है इस कोर्स को देखने के बाद. उसके अलावा वी हैव कवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वी हैव कवर्ड द SCRA एक्ट, We have covered the सरफासी एक्ट, we have covered the फेमा एक्ट, हमने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ कवर किया है, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कवर किया है. आपको क्या करना है, इस कोर्स को देखना है, इस कोर्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, एदर यू कैन परचेज माई क्वेश्चन बैंक और यू कैन परचेज सम अदर रिलायबल क्वेश्चन बैंक और यू कैन प्रैक्टिस डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर, RTP, आपकी मर्जी है. और फाइनली आपने टेस्ट देना है. ये तीन चीजें आप कर लेंगे एग्जम्पशन पक्का है, ठीक है. मेरा संजीवनी कोर्स आपने अच्छे से देख लिया आफ्टर योर सेल्फ स्टडीज जो भी है, आपने अगर मेरे फास्ट ट्रैक क्लासेस या रेगुलर क्लासेस ले रखे हैं और फिर संजीवनी कोर्स देख रहे हो तो सोने में सुहागे वाली बात है फिर तो. बट
अगर कोई बच्चा लॉ में बहुत एक्सट्रीमली वीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वीक है और आपको लॉ बिल्कुल नहीं आता है, ब्लैंक हो आप, तब आप संजीवनी कोर्स मत लीजिएगा। तब आप या तो फास्ट ट्रैक क्लास लीजिए या तो रेगुलर क्लास लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट अभी नवंबर 19 है, फास्ट ट्रैक क्लास लीजिए। अटेम्प्ट मे 20 है, उसके बाद है रेगुलर क्लास लीजिए, तब आप संजीवनी कोर्स मत लीजिए। आता है बस वो लास्ट मिनट पुश की जरूरत है, संजीवनी क्लास लीजिए, कॉन्सेप्ट कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए और बाद में जो अपना वॉइस क्लिप है उसको कान में लगाकर, ईयरफोन लगाकर सुनते रहिए, मजा आ जाएगा। नाउ उसके बाद जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उसके उनके लिए वी हैव कवर्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट, वी हैव कवर्ड द एफसीआरए एक्ट। एक टॉपिक खाली कवर नहीं करा है सेबी लोडर, बिकॉज वो 23 आवर्स के जोन में फिट नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ही टॉपिक कवर्ड नहीं है पूरे न्यू सिलेबस के अंदर इन द इकोनॉमिक लॉ पोर्शन, दैट इज द सेबी लोडर। बाकी सारा चैप्टर्स कवर्ड है, आईबीसी कोड विद क्वेश्चंस कवर्ड है। न्यू सिलेबस के अंदर अगेन वी हैव कवर्ड द एडिशनल टॉपिक्स लाइक कॉम्पिटिशन एक्ट, द बैंकिंग एक्ट, द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओल्ड सिलेबस के अंदर सिर्फ एक टॉपिक कवर्ड नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट। मतलब पूरे अलाइड लॉ इकोनॉमिक लॉ के पोर्शन में ओल्ड सिलेबस के अंदर सिर्फ एक टॉपिक हमने कवर नहीं करा, इंश्योरेंस एक्ट, और न्यू सिलेबस के अंदर हमने एक टॉपिक कवर नहीं करा, द सेबी लोडर रेगुलेशंस। बट इसके भी कंसाइज नोट्स आपको मिले हैं, जिससे आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अलग से मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा लिमिट्स का, जिसमें एक घंटे में मैंने सारा लिमिट्स कंसोलिडेट कर दिया जो भी लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट है, और आपको लिमिट्स याद भी कराया क्लास के अंदर विद इन द संजीवनी कोर्स। अपील्स का एक अलग से वीडियो है जिसमें पूरा अपील्स कंसोलिडेट करके मैंने आपको बताया है, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू हैंडल द अपील्स पार्ट इन एग्जाम। उसके बाद पेनल्टीज का अलग से एक वीडियो है, पेनल्टीज का अलग से आपको पीडीएफ मिलेगा जहां इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हमने डिस्कस करी है। प्रेजेंटेशन का एक अलग से वीडियो है डेडिकेटेड 20 मिनट। जजमेंट्स जो अगेन एक इग्नोर्ड एरिया है, 32 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कलेक्ट करके वी हैव डिस्कस 32 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो आप सोच के देखो, लिमिट्स में भी एक घंटा टाइम दिया है, प्रेजेंटेशन में भी 20 मिनट दिया है, जजमेंट्स के अंदर भी हमने आधा घंटा दिया है, पेनल्टीज के अंदर भी हमने 40 मिनट दिए हैं। इन सारे एरियाज को भी हमने अलग से टाइम दिया है जिसमें अपन मार्क्स मिस करते हैं। और पिछले अटेम्प्ट में बच्चों का मैसेज आया था, सर आपके वो पेनल्टी वाले वीडियो ने बचा लिया, वो अपील वाले वीडियो ने बचा लिया, लिमिट्स वाले वीडियो ने बचा लिया, 8 नंबर एक्स्ट्रा आ गए लॉ में। तो वो आपको हेल्प करेगा। एलाइड लॉज, इकोनॉमिक लॉज पहले ही हमने कर लिया। क्यों कर लिया? जब तक कंपनी लॉ का वीडियो आपको मिले, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को दो बार देख लीजिए। ड्यूरेशन बहुत ही कम है। इंस्टेड ऑफ सीइंग 60 आवर्स 100 आवर्स बिफोर द एग्जाम वंस, यू कैन सी दिस वीडियोस थ्राइस। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो मेरे क्वेश्चन बैंक से या किसी ऑथर के क्वेश्चन बैंक से, जो भी रिलायबल लगता है आपको, या तो आईसीआई के स्टडी सोर्स से डायरेक्टली। और तीसरी चीज, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट या तो अपने लोकल फिजिकल सेंटर में आप दे सकते हो अगर कोई रिलायबल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या फिर अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो अपना मेंटल टेस्ट सीरीज यू कैन ज्वाइन, विच इज अगेन आर ओन टेस्ट सीरीज, एंड जिसकी रिलायबिलिटी का एश्योरेंस मैं खुद दे सकता हूं, राइट? तो उसके बाद आप टेस्ट दीजिए और उसके बाद रिविजनरी वॉइस क्लिप्स आप क्या करिए, सुनते रहिए। सो दिस इज हाउ दिस संजीवनी कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट एग्जम्पशन। बिकॉज नॉर्मली जिस लॉ को रिवाइज करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, उसी लॉ को संजीवनी कोर्स के माध्यम से आप 23 आवर्स में एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, एक एडिशनल क्लैरिटी के साथ, प्रेजेंटेशन, लिमिट, सब कुछ डिस्कस करते हुए। उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा सफिशियंट टाइम है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, टेस्ट सीरीज देने का, क्योंकि जो लॉ के लिए आपने अगर 100 घंटा डिवोट किया था ना क्लासेस वगैरह के लिए, उसी 100 घंटे के अंदर आपने क्लासेस भी देख ली, आपने टेस्ट सीरीज भी दे दिया, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, सब कुछ हो गया। सो दैट इज हाउ दिस कोर्स कैन हेल्प यू टू गेट एग्जम्पशन मार्क्स, अगर आप डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को फॉलो करते हो। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, शिद्दत वाली रिक्वेस्ट है, ये जो संजीवनी कोर्स है आप इसे तभी लेना अगर आपको मेरे ऊपर फेथ हो। अगर आपने कोर्स ले लिया है, इसे आगे देखना तभी अगर आपको मेरे ऊपर फेथ हो। अगर फेथ है तब लेना, अगर विश्वास है तब लेना, विश्वास नहीं है तो मत लेना, कोई काम नहीं आएगा। विश्वास है और फिर इस कोर्स को करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, शिद्दत के साथ करोगे, जो जो मैं कहता जा रहा हूं सब कुछ फॉलो करोगे, भाई एग्जम्पशन से कोई नहीं रोक सकता, 50 नंबर आना गारंटेड है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू कम। अगर अपने को भगवान पे भी भरोसा नहीं होता तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर पे भरोसा नहीं होता, दवाइयां कुछ नहीं कर सकती, तो मैं तो भाई एक नॉर्मल सा इंसान हूं। सो प्लीज यार, अगर फेथ है तब आना, वरना मत आना। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ क्लासेस ले ली और क्लासेस लेकर आपने बस एक बार वीडियो देख के छोड़ दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू डू माई फ्रेंड्स।
आप सिर्फ वीडियो देखोगे नहीं, वीडियो डेडिकेशन के साथ देखोगे, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं आप उसे डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे, आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, लॉ एंड ऑडिट सागा बाय सीए सानिध्य सराफ, गूगल में टाइप करें लॉ एंड ऑडिट सागा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां ज्वाइन करोगे, एक एक गाइडेंस जो मैं आपको एग्जाम तक दूंगा आप उसे फॉलो करोगे। अगर आप ये कमिटमेंट लेते हो, दिस संजीवनी कोर्स विल हेल्प यू टू गेट एग्जामिशन इन एग्जाम, ये मेरी गारंटी है आपसे, राइट। लेकिन कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो में जो देखा है उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट पेपर्स लिखने हैं, मेरे वॉइस क्लिप सुनने हैं, और एक एक चीज जो आपको बताई गई है आपको उसको फॉलो करना है, देन दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए वंडर फॉर यू ऑल। जिस सिक्वेंस में आपको क्लासेस दी गई है उस सिक्वेंस में देखिए, हाँ आपकी मर्जी, आप पहले कंपनी लॉ देखना चाहते हो फिर अलाइड लॉज देखना चाहते हो, दैट यू कैन डू, बट विद इन दोज टॉपिक्स जो सिक्वेंस आपको दिया गया है आप उसे सिक्वेंस के अंदर देखिएगा, ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स रहेगा। एक और चीज, बहुत ज्यादा डिले मत करना, कोशिश करो कि भाई विद इन सितंबर एक बार इन वीडियोस को देख लीजिए और फिर अगले महीने बिफोर द एग्जाम से एक बार एक वीडियो को देख लीजिए, अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर कभी भी वीडियो देखते वक्त कोई टेक्निकल इश्यू आता है, कभी भी किसी भी रीजन से हो सकता है, आप auditsagasolution@gmail.com नोट कर लीजिए, auditsagasolution@gmail.com यहां मेल कर दीजिएगा, और मेल करके 48 घंटे शांतिपूर्वक बैठे रहिएगा, बिकॉज सॉल्यूशन देने में टाइम लगता है। हालांकि नॉर्मल इश्यूज नहीं आएगा जब तक आपके लैपटॉप में कोई कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू ना हो। ये जो संजीवनी कोर्स है, दिस कैन वर्क ओनली ऑन डेस्कटॉप, ओनली ऑन लैपटॉप, मिनिमम 2GB रैम चाहिए, मोबाइल में नहीं चलेगा, एंड्रॉइड में नहीं चलेगा, आईफोन में नहीं चलेगा, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। बाकी एग्जाम्स के लिए आपका टाइम बहुत ही कम है, बहुत अच्छे से मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, एक सपने के साथ मेहनत करें, एक जज्बे के साथ मेहनत करें कि जो आने वाला अटेम्प्ट है वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। ऑल द बेस्ट।